और अमेजिंग कार लेके टाटा की कर्व। आज जो मेरे वेरिएंट खड़ा हुआ है वो खड़ा हुआ है 1.2 टर्बो एस कॉम्प्लिश वेरिएंट। तो आज इसके बारे में पूरा ओवरव्यू आपको देने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं किसी देने के इस वीडियो को। सो गाइज, ये रही हमारी टाटा कर्व जो अभी हमारे सामने खड़ी हुई है। मॉडल मैंने आपको बता दिया, 1.2 टर्बो एस एकॉम्प्लिश वाला ये वेरिएंट खड़ा हुआ है मेरे सामने। एंड अगर इस गाड़ी की बात करें पूरे ओवरऑल लुक की, तो गाइज वाकई ये गाड़ी बहुत ही अमेजिंग, मिनी लैम्बो कह सकते हो इस गाड़ी को, और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए अच्छी खासी ये गाड़ी हमारी है। तो बात करते हैं गाइज इसके फ्रंट के साथ। तो फ्रंट में आपको इसमें कनेक्टेड आपके DRS LED देखने को मिल जाते हैं, फिर टर्निंग इंडिकेटर के साथ ये वर्क करते हैं। बात करें फ्रंट में, तो फ्रंट की ही बात कर रहे हैं, जैसे कि ग्रिल इसमें न्यू शेप की ग्रिल आई है इन्होंने, टाटा ने निकाली है, ग्रिल इसमें चेंज कर दी गई है। बात अगर सेटअप करें लाइट सेटअप की बात करें, तो वही सिंपल जो आपको नेक्सॉन और टाटा सफारी में मिलता है, वही प्रोजेक्टर एंड विद फॉग लैंप्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं। बात करते हैं इसके मिडल में, तो यहाँ देख सकते हैं आप इसमें आगे आपको कैमरा मिल जाता है विद, और सेंसर की बात करें तो सेंसर आपको दो ही आपको इसमें सेंसर टाटा ऑफर कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लंबी गाड़ी है, आगे भी सेंसर दिया, दो ही दिए हैं। अब मेरे ख्याल से इन्होंने पीछे भी दो ही सेंसर दे रखे हैं, वो थोड़ी चीज़ गलत है, दो नहीं देने थे, चार दे देते अच्छा लगता थोड़ा सा। बात करते हैं साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पर आपको कर्व की बैजिंग देखने को मिल जाती है। और अगर टायर साइज़ की मैं बात करता हूँ, तो टायर साइज़ आपको इसमें मिलता है 215/55R 18 इंच के, इसमें आपको गुडियर के टायर देखने को मिल जाते हैं, और इसमें डायमंड कट अलॉयज भी आपको देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको इसमें डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं, रियर की पता नहीं है, अभी रियर में भी चेक करेंगे क्या डिस्क ब्रेक रियर में दिए गए हैं या नहीं है। तो गाइस कुछ ऐसा ही इसका फ्रंट में यही चीज़ थी। बात करते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर में भी चलेंगे अभी, अभी पहले आपको पूरा ओवरऑल लुक दिखा देते हैं। तो अच्छी खासी लेंथ है गाइस इस गाड़ी की, और पीछे से आप पूरा लैम्बो लुक दे सकते हैं, लैम्बो का ही इसमें आपको लुक देखने को मिलता है। पीछे भी आपको इसमें कनेक्टेड DRS देखने को मिल जाते हैं, यहाँ टाटा की बैजिंग देखने को मिल जाती है, और यहाँ इसकी नीचे कर्व की बैजिंग देखने को आपको यहाँ मिल जाती है। सेंसर की हमने बात करी थी, सेंसर भी इसमें आपको दो ही ऑफर सेंसर किए गए हैं, एक यहाँ पर एंड एक यहाँ पर, तो यहाँ पर इनकी प्लेसमेंट की गई है। रियर की बात करते हैं, तो रियर में इसमें नॉर्मली आपको ड्रम ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं। स्पॉयलर की बात करते हैं गाइस, स्पॉयलर नहीं है, बस थोड़ा सा इन्होंने पैनल बढ़ा रखा है, ये प्रॉपर एक स्पॉयलर में नहीं आता है। पीछे आपको रियर ग्लास पे आपको डिफॉगर देखने को मिल जाता है। वाइपर का इस गाड़ी में कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये जो भाई इस टाइप की जो गाड़ियाँ रहती हैं इनमें कोई वाइपर की ज़रूरत होती नहीं है। गाइस बात करते हैं साइड प्रोफाइल पर, गाइस बात करते हैं साइड प्रोफाइल पर चलते हैं, तो साइड में आपको यहाँ पर टर्निंग इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं विद आपको यहाँ कैमरे की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। इसमें 360 डिग्री आपको कैमरा इसमें आपको देखने को मिलता है। पैनोरामिक इसमें फुल्ली पैनोरामिक नहीं है, हाफ पैनोरामिक इसमें आपको सनरूफ देखने को मिल जाती है। कुछ इस टाइप से इसका साइड प्रोफाइल का लुक ये चेक कर सकते हैं गाइस, थोड़ा सा 360 मेरे पे अल्ट्रा वाइड नहीं आ रहा इसमें, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन बहुत जल्द मैं इस चीज़ को अपग्रेड कर लूँगा। तो आप पीछे से थोड़ा लुक देख पा रहे होंगे इसका पूरा गाड़ी का, और काफ़ी डैशिंग लुक है इस गाड़ी में भाई, एक अलग ही प्रोडक्ट निकाला टाटा ने। और टाटा ने ना जिस सेगमेंट में ये गाड़ी निकाली है, क्रेटा और सेल्टॉस की, उनकी सेल्स में फ़र्क पड़े। तो चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर में, और ये वाले आपको इसमें हैंडल देखने को मिल जाते हैं, जो आपकी महिंद्रा भी ऑफर करता है। सबसे पहले महिंद्रा ने ऑफर करे थे XUV700 में। तो भाई गाइस बात करते हैं इस गाड़ी के फ्रंट डोर में, तो कुछ इस टाइप का आपको इसका फ्रंट डोर, यहाँ पर थोड़ा रेड अपलॉस्ट्री मिल जाती है, जो सॉफ्ट टच नहीं कह सकते, सॉफ्ट टच इसे नहीं कह सकते प्रॉपरली। और इसमें अगर सिस्टम का सेटअप देखें, तो आपको इसमें JBL के सारे सेटअप्स मिल जाते हैं, 4 पावर विंडोज़ आपको देखने को मिल जाती है, ऑटो अप एंड ऑटो डाउन आपको ड्राइवर साइड वाला देखने को इसमें मिलता है। यहाँ पर इस गाड़ी की ट्विटर की प्लेसमेंट देख सकते हैं आप, यहाँ पर है, यहाँ पर आपका अम्ब्रेला होल्डर मिल जाता है, यहाँ से आपके सारे ORVMs के कंट्रोल हैं जो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। बात करते हैं इसकी डोर हैंडल की, तो यहाँ पर आपको क्रोम की फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। आप चलते हैं गाइस अंदर, और अंदर भी कॉपेट वाला लुक दिख रहा है मुझे। तो भाई ये गाड़ी वाकई मुझे, मैं बताऊँ, बहुत प्यारी और डैशिंग गाड़ी लगी हुई है, क्योंकि यार इस गाड़ी ने ना, मतलब जिस सेगमेंट में ये गाड़ी निकाली है टाटा ने, उस सेगमेंट में ऐसी गाड़ी इतने फीचर के साथ और इतने रिजनेबल प्राइस में नहीं है। बात करते हैं इसकी सीट्स की, तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट देखने को मिल जाती है विद वेंटिलेटेड सीट हैं गाइस इसमें, राइट। 6 एयरबैग्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि स्टैंडर्ड हैं। चलते हैं गाइस इस गाड़ी के अंदर। ओ सर टकरा गया भाई मेरा, तो 5.8 इंच मेरी हाइट है, लेकिन इसमें सर कैसे टकरा गया भाई,
ये तो गलत था गाइस। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकली, मैं इस अपनी सीट को पीछे कर रहा हूँ, फाइनली पीछे हो गई है मेरी सीट की, मेरी पॉकेट में है। तो इग्निशन थोड़ा ऑन करते हैं और यहाँ पर, तो गाइस आप स्टीयरिंग चेक करो गाइस, वही टाटा सफारी हैरियर वाला आपको इसमें स्टीयरिंग देखने को मिल जाता है, टाटा का लोगो। भाई ये चीज जो है ना, मुझे ये चीज अच्छी लगी थी जब सबसे पहले नेक्सॉन में आई थी ना भाई, ये चीज कमाल की कदर है। यहाँ पर सारे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आपको क्रूज के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, एंड आपकी एमआईडी के भी कंट्रोल्स इसमें देखने को मिल जाते हैं। भाई गाइस अगर एमआईडी की बात करूँ ना, तो इसमें भी आप ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं, आरपीएम मीटर चेंज हो जाएगा, स्पीडो पूरा, मतलब ये मीटर आप इजीली चेंज कर सकते हैं। अभी मैं आपको करके भी दिखाने वाला हूँ, तो अभी बने रहना मेरे साथ इस वीडियो में। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर वाइपर से कंट्रोल मिल जाते हैं जो कि ऑटोमेटिक हैं, राइट साइड में आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल देखने को मिलते हैं। बात करते हैं गाइस अपने इस इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले वायरलेस ही इसमें आपको देखने को मिलेगा। फीचर्स सारे इसकी भी बात करने वाले हैं अभी हम। पेयर डिवाइस यहाँ से आप कर सकते हैं, फैन यहाँ से चल जाएगा, ब्लूटूथ सारे डिवाइस यहाँ कनेक्ट हो जाएंगे। वॉइस सुनाने की कोशिश करूँगा गाइस, अगर सुना पाया तो मैं, बाकी देखते हैं अभी और देखते हैं क्या क्या मिल जाते हैं। वायरलेस मैंने आपको बता दिया है, एंड्रॉयड ऑटो एंड आपका इसमें वायरलेस मिल जाता है देखने को। ये आपके सारा यहाँ एसी का फ्लो आप यहाँ से ही एडजस्ट कर भी सकते हैं। 360 व्यू आपको यहाँ पर स्विच भी देखने को मिल जाता है, अभी मुझे स्क्रीन में देखने को नहीं मिल रहा कहाँ है। ये देखिए गाइस 2D है, ये 3D व्यू, सेम आपको कर भी देखने को मिलेगी, कोई और गाड़ी आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। साइड से भी आप चेक कर सकते हैं और इधर से लेफ्ट साइड से भी, तो हर जगह से आपको मिल जाता है भाई, क्योंकि थोड़ा लिमोजिन टाइप डिज़ाइन है, तो भाई ये चीज़ ज़रूरी भी थी 360 देखना, क्योंकि कई लोगों से नहीं मुड़ पाती है बैक हो पाती है, तो उसकी वजह से। IRVM की बात करें तो यार आपको ये मैनुअली एडजस्ट करने को मिलता है। इस साइड आपको कोई भी वैनिटी मिरर देखने को नहीं मिलता है, क्या उस साइड मिला है? यस, हमें उस साइड वैनिटी मिरर देखने को मिला है। यहाँ से आपकी सनरूफ खुल जाएगी वन टच में, इसकी सनरूफ का पहला डोर खुलेगा। फुल्ली पैनोरामिक सनरूफ नहीं आती गाइस इसमें, हाफ ही पैनोरामिक सनरूफ आपको इसमें देखने को मिलती है। और गाइस सनरूफ ओपन हो चुकी है, यहाँ से पैसेंजर एयरबैग का ऑन या ऑफ, वन टच में इस गाड़ी की सनरूफ बंद भी हो जाएगी। यहाँ से इसकी लाइट भी आपको इसमें LED देखने को मिलती है। सनग्लास होल्डर आपको इसमें नहीं मिलता, जो कि यार ये चीज़ तो थोड़ी सी दे ही देते, कोई दिक्कत नहीं थी। ये गाइस जो आपको ट्रांसमिशन मिलता है, इसमें आपको 6-speed ट्रांसमिशन मिलता है। रिवर्स की बात करें तो रिवर्स कुछ ऐसे लगेगा, और ये रिवर्स गियर इसका लग गया। कैमरा की क्वालिटी भी बहुत अच्छी खासी है, कोई ऐसा बेकार क्वालिटी नहीं है। बात करते हैं गाइस इस वाले कंसोल की, तो इस वाले कंसोल में आपको अपने लाइट्स के, हिल होल्ड असिस्ट के, बूट के, हैजार्ड के, लॉक के एंड 360 डिग्री के लॉक मिल जाते हैं। यहाँ से आपकी फैन की स्पीड आप एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से अपना टेम्परेचर एक्सेस कर सकते हैं। कार में फ्लो आपको अंदर लेना बाहर, ये रियर डिफॉगर, ये मैक्स, ये कूलिंग के लिए मैक्स कूलिंग ऑन हो जाएगी इस गाड़ी में। यहाँ पर हवा मिल जाएगी, कहाँ पर आपको पैर पे हवा चाहिए, आपको फेस पे हवा चाहिए, ऑन या ऑफ कर सकते हैं आप AC के यहाँ से, और ऑटो के यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। बात करते हैं साइड में, तो आपको यहाँ पर पुश स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ देखने को आपको मिल जाता है। यहाँ से गाइस आपके साइड में अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर आपको 3 तरह के मोड देखने को मिल जाते हैं, सिटी, इको, स्पोर्ट्स, जो कि आपको यार ये नेक्सॉन में भी देखने को मिलते हैं, एंड सेम आपकी अपर कार में भी देखने को मिलते हैं। ये रहा इसका गाड़ी का हैंड ब्रेक। बात करते हैं इस गाड़ी के ग्लोव बॉक्स की, तो ग्लोव बॉक्स भी यार ठीक ठाक है। यार ये थोड़ा मुझे ठंडा सा लग रहा है, लेकिन ये ठंडा है नहीं, क्योंकि AC खोलते हैं इसका भाई ग्लोव बॉक्स, तो ग्लोव बॉक्स टाटा अपना अलग ही देता है। और यहाँ कहाँ है ये तो भाई अच्छा खासा ग्लोव बॉक्स देखने को मिल जाता है। टाइगर की आपको यहाँ बैजिंग मिल जाती है, 2 कप होल्डर देखने को मिल जाते हैं, अंदर खाना पीना आप समझ सकते हैं, लाइट भी आपको इसमें देखने को मिल जाती है। बंद कर दो यार, ग्लोव बॉक्स इसका काफी अच्छा खासा बड़ा आता है। एयरबैग की वहाँ बैजिंग देखने को मिल जाती है, ट्विटर की प्लेसमेंट वहाँ की गई है। बाकी भाई इसका जो सिस्टम है ना, सिस्टम जो है बहुत अच्छा खासा सिस्टम है, तो उसको भी हम सुनेंगे, आपको भी सुनाएंगे। तो कुछ इस टाइप का इसका रियर व्यू अच्छा खासा है भाई, गाड़ी नो डाउट बहुत प्यारी गाड़ी है ये। यहाँ से आपके ORVM से कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, और आप इसकी गाड़ी की MID की बात करते हैं, तो मैं आपको MID दिखाता हूँ। तो ये देखो यहाँ से मैंने चेंज कर दिया इसका स्टाइल भी चेंज हो जाएगा,
TPS के यहाँ पर आपको कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। अभी डोर ओपन हुआ तो डोर की भी पैजिंग आ गई। और चलते हैं, ये पावर एंड टॉर्क, ये सर्विस रिमाइंडर, ये टायर इन्फॉर्मेशन, PS टायर प्रेशरिंग मॉनिटर सिस्टम आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, टायर इन्फॉर्मेशन एंड अदर चीज़ें भी होंगी इसमें। अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पर नेविगेशन आपको देखने को मिल जाता है। जब यहाँ पर जब हम कनेक्ट करूँगा ना नेविगेशन, तो आपको यहाँ पर मीटर पे कंसोल में भी आपको नेविगेशन देखने को मिलेगा। मीडे के यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, नोटिफिकेशंस कोई आ रही हो अगर आपका फ़ोन कनेक्ट है, सेटिंग्स यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाती है। यहाँ बात करें तो गाइस यहाँ सॉफ्ट टच नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ये लगी हुई है लेदर टाइप, और ये हार्ड प्लास्टिक ही है, ये भी पूरा आपका हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ बात करते हैं तो 12 वोल्ट का आपको इसमें चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। यहाँ पर आपको USB एंड सी टाइप आपको इसमें देखने को मिलता है। वायरलेस का कहीं ऑप्शन इसमें गाड़ी में नहीं है। अब बात करते हैं गाइस इसके रियर व्यू सीट की, उसका देखते हैं कंफर्ट कैसा है। चलो चलते हैं गाइस रियर में। गाइस अब चेक कराते हैं आपको इसकी म्यूजिक की क्वालिटी, तो बजाइए सर गाना। गाइस चेक करो साउंड की क्वालिटी। गाइज अब चलते हैं इस गाड़ी के रियर में और रियर प्रोफाइल की इसकी बात करेंगे। तो चलो गाइज चलते हैं इसके रियर प्रोफाइल में। तो गाइज कुछ टाइप का आपको, अरे गेट तो खुल जा भाई, खुल गया, वाइड ओपन भी होता है। यहाँ पर आपको इसमें JBL की ब्रांड देखने को मिल जाता है स्पीकर्स के, आपको जो आगे जिस तरह आगे फ्रंट डोर में मिली थी उसी तरह आपको इसमें रियर डोर में भी मिलती है। पावर विंडो के ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। ट्यूटर की प्लेसमेंट यहाँ की गई है। यहाँ पर आपको क्रोम की फिनिशिंग वही सेम जो आगे देखने को मिलती है। अब गाइस चलते हैं इस बात करते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर में और रियर कंफर्ट की। तो गाइस बैठ जाते हैं इस गाड़ी के रियर कंफर्ट में। सो गाइस मेरी हाइट अभी 5'8" है और 5'8" के हिसाब से मेरी हाइट के हिसाब से हेडरूम तो ठीक ठाक है, लेकिन हाँ 6 फीट वाले को इसमें दिक्कत होगी भाई, क्योंकि इस गाड़ी का हेडरूम मुझे कम लग रहा है। क्योंकि अगर मैं जैसे बाहर वाले जब गेट से अंदर हुआ था ना तो मेरा सर टकरा गया था। तो लेग रूम भी ठीक ठाक है गाइस मेरे हाइट के अकॉर्डिंग तो, और थाई सपोर्ट भी मुझे अच्छा खासा इसमें देखने को मिल जाता है। रियर की बात करते हैं तो रियर में आपको AC वेंट्स देखने को मिल जाते हैं दो, एक आपको USB एंड आपको सी टाइप ऑप्शन इसमें देखने को मिलता है। बात करते हैं गाइस के यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको ट्विन कप होल्डर्स देखने को मिल जाते हैं गाइस आपको। और यार अच्छा खासा आगे का व्यू भी यार कोई बेकार नहीं आ रहा, बहुत मस्त डैशिंग सा व्यू आ रहा है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट आपको दोनों साइड ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं सनरूफ की बात करूँ तो यार सनरूफ भी ज़्यादा बड़ी तो है नहीं, छोटी सी है, यहाँ तक ओपन हो जाती है ये तो कपड़ा सही है। चलो यहाँ पर क्वालिटी थोड़ा सा इसमें ठीक ठाक सी है, कोई दिक्कत नहीं है। एयरबैग की यहाँ बैजिंग देखने को मिल जाती है, जो आपको इसके रियर हेडरेस्ट हैं ये भी आपको एडजस्टेबल देखने को मिलते हैं, फ्रंट के भी एडजस्टेबल हैं। 6 एयरबैग्स आपको इस गाड़ी में ऑफर किए जाते हैं। अब गाइस बात करते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की और फिर करते हैं इस वीडियो को एंड। और गाइस काफ़ी वाइडली गाड़ी का बूट स्पेस, बूट टेल गेट ओपन हो जाता है अच्छा खासा। और यार अच्छा खासा देखिए यार 500 लीटर का इसमें बूट स्पेस देखने को मिलता है गाइस, सेगमेंट में सबसे बड़ा बूट स्पेस है। JBL का यहाँ सबवूफर भी देखने को मिल जाता है, टेल लैंप भी देखने को मिलता है। वाओ गाइस यहाँ पर आपको स्टोरेज स्पेस भी मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। तो यार इतना बड़ा बूट स्पेस 60-40 आपको इसकी सीट्स भी स्पेशल ट्रे देखने को मिल जाती है। एंड इसका जो आपका टेल गेट है इसको आप इस वाले वेरियंट में एडजस्ट का भी आपको इसमें ऑप्शन नहीं, इसमें नहीं है गाइस, हाँ राइट, इसमें आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता। तो अब गाइस इसके इंजन की बात कर लेते हैं, तो इंजन इसमें आपको 1.2 टर्बो वाला इसमें आपको इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छी खासी पावर आपको इसमें जनरेट करता है। जो पावर की बात करते हैं तो यही इसकी गाड़ी की पावर है। अब इसका बूट स्पेस आपको हुड खोल के दिखाएंगे आगे से और फिर करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। गाइस अगर यहाँ तक वीडियो देखी है ना तो जरूर मुझे बताना कि आपको ये गाड़ी कैसे लगी है। और जो ये कलर है ना जो टाटा ने निकाल रखा है, वाकई बहुत ही अमेजिंग कलर ये लगता है, ड्यूल टोन में आता है ब्लैक रूफ के साथ, अमेजिंग कलर। बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन की, तो चलते हैं इस गाड़ी के इंजन में। गाइस ये टाटा कर्व का इंजन जो कि है 1.2 टर्बो चार्ज इंजन जो कि टाटा का आता है, और भाई अच्छी खासी पावर जनरेट करता है ये गाड़ी। तो इसकी
गाइस कुछ ये था इस गाड़ी का रिव्यू, कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।